लंबी दाढ़ी और माथे पर टीका लगाया कोई बाबा आपके पास आ जाए और कहे कि मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है। दिल के बहुत साफ हो, जो कहते हो मुंह पर कहते हो, ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को कैसा लगेगा। और चापलूसी करना आपको पसंद नहीं है, ईमानदार हो। मुसीबत पर लोगों की मदद करते हो, लेकिन जब खुद मुसीबत में होते हो तो कोई साथ नहीं देता है। काम बनने से पहले बिगड़ जाता है। जो सोचते हो जब तक कुछ करना है तब तक कुछ ना कुछ अड़चन सामने आ जाती है। सबको लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, वाकई में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। 80% लोगों को यही लगेगा। और ऐसा ही एक कांड हुआ है मंडी में। वहाँ एक बाबा तांत्रिक ने कहा कि मैं माँ शिकारी देवी का गुरु हूँ। दुकान पे गया एक महिला के, वहाँ से टोपी खरीदी, महिला के साथ बैठा और कॉन्फिडेंस से वहाँ बातें की। कहा कि माताजी कुछ ठीक नहीं चल रहा है ज़िंदगी में लगता है। और माताजी फिर देखो महिलाएं, उन्होंने कहा कि हाँ। उसने दो चार बातें बोली, बोला शिकारी देवी का गुरु हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर बता रहा हूँ कि कुछ दिक्कतें हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से परिचय हुआ, उसको कहा कि जो है आपके साथ भी ठीक नहीं हो रहा है, ईमानदार हो, काम नहीं चल रहा है, बुराई नहीं किसी की करते हो लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरों का अच्छा करते हो अपना बुरा हो रहा है, नेगेटिविटी है घर में। उसने कहा कि वाकई में होगी फिर, तो घर ले गया उसको। उसने घर लेकर जब गया, देखा वहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग की, कॉन्फिडेंस लाया चेहरे पर, कहा कि बहुत नेगेटिविटी है यहाँ, तो बहुत नेगेटिविटी है। उसने कहा क्या करें, इतना उसने जो है उसे अपने वश में कर लिया, इतनी अच्छी एक्टिंग की कि जो एक शख्स थे जिनकी मैं अभी बाइट आपको सुनाऊंगा, वो रोने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा तो क्या करें, उन्होंने कहा कि देखिए एक महायज्ञ होगा, पूजा उसकी जो है शमशान घाट पे होगी, छोटा छोटा सामान लगेगा, आपको मैं भेजूंगा सामान लेने, तो आपको समय लगेगा, मैं किसी दिन खरीद लूँगा, आपने पैसे दे देने, मैं खरीद लूँगा और मैं जो है पूरा पूजा पाठ करके इस नेगेटिविटी को हटा दूँगा। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिनों में फिर आया, 40,000 रुपये लिए, दूसरी बार फिर आया, 70,000 ले गया। ऐसे ही जो माता जी बैठी थी कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके घर भी गए, वहाँ पर भी 1,00,000 इकट्ठे की और चला गया। ऐसे ही एक बहुत बड़ा उसने ठगी की कई लोगों के साथ मंडी में, गोहर क्षेत्र में और आसपास के इलाकों में भी। अब जब सामने आ रही है बातें धीरे धीरे, 7,00,000 रुपये वाले लोग तो मिल गए, जो कह रहे हैं कि अलग अलग ट्रांजेक्शन हमने की, 7,00,000 रुपये हमने दिए हैं अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों ने। और फिर अब क्या है, अब SP के पास पहुंच गए, अब पुलिस को कह रहे हैं कि हमें हमारे पैसे लौटाइए। तो ये देखिए बड़ी दिक्कतें हैं, जब तक आप कुछ खुद नहीं समझेंगे तब तक तो आपको इतनी अकल खुद होनी चाहिए कि कोई आया आपको कुछ बता दिया और आप घर ले गए उसको। खैर पूरा क्या मामला है वो मैं आपको बताता हूँ। मंडी ज़िला का ये मामला है और एक व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं कुछ लोगों ने, वो SP से मिलने कल गए। SP ने क्या कहा पूरे मामले पर और जो ठगी का शिकार हुए उन्होंने क्या कहा, वो पूरा मामला आप सुनिए और अपना बहुत ध्यान रखें, एहतियात बरतें, सावधान रहें। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं तहसील सीओ डिस्ट्रिक्ट मंडी बागा गांव का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक व्यक्ति ने फ्रॉड किया है जिसका नाम इंद्र सिंह है और उसके मऊ शेरी स्कोर एक जगह है, वहाँ उसके घर है और अपने आप को माता शिकारी माता का घूर बताता है। वो मेरे से मिला और मेरे को बोला कि आपके घर में नेगेटिविटी है, इसके लिए मुझे आपके घर में जाना पड़ेगा। मैं सहमत हो गया, वो मेरे घर में आया और बाहर आंगन में बैठा, चाय पान हुआ एंड उसके बाद उसने बोला भी अभी यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है मुझे, और मेरे एक दो एकदम आंखों से मैं देखता रहा और मैं एकदम मोहित सा हो गया। उसने फिर आगे बोला कि इसकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इतने मायूस क्यों हो गए, इस नेगेटिविटी को मैं ख़त्म करूँगा। मगर उसके लिए एक तो तरीका होता है शास्त्र द्वारा, उसको तो आप कर नहीं पाएंगे, वो बहुत लंबा तरीका है। दूसरा तरीका है तांत्रिक तरीका, जिसको मैं करता हूँ और मेरी माता करती है, उसको मैं अकेले करता हूँ। उसके लिए महायज्ञ करने पड़ते हैं, तो उस यज्ञ में जो है मतलब कि कुछ ऐसी सामग्री लगती है, वो कोई मुझे खुद ही लानी पड़ती है पंसारी से। आपको मैं लिस्ट बना के दूंगा तो नहीं आपको नहीं पता चलेगा, आप कोई सामग्री एक भूल जाएंगे, एक भी सामग्री कम आएगी तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है और शिकारी माता का गुरु में, यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है। उस यज्ञ करने के बाद जो है आपका पूरी की पूरी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो बंदा चले जाता है एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मुझे फ़ोन करता है कि आप जो है
इतना अमाउंट मुझे भेजो, मैंने सामग्री लेनी है और फर्स्ट महायज्ञ मैंने बड़े शमशान घाट में करना है। पहला अमाउंट मांगा उसने 40,000 रुपया, मैंने दे दिया। दूसरा अमाउंट मांगा 70,000 रुपया, वो भी मैंने दे दिया, हो गया 110,000 रुपया। उसके बाद उसने अपना नंबर गायब कर दिया। फिर मैं जो है उसके घर में गया, किसके, इंद्र सिंह के घर में। घर में उसकी मिसिज मिली, उसकी मम्मी मिली, उसके पापा मिले। उसके पापा ने मेरे को बोला कि क्या बात है। मैं बोला ऐसे ऐसे आपके बेटे ने मेरे यहाँ साथ ऐसे ऐसे किया है और पैसे लिए हुए को इतना टाइम हो गया और अभी तक उसने वो महायज्ञ नहीं किया है। तो बोले मैं तो जा रहा हूँ, हमें वो भी वो मेरी सुनता नहीं है, तो आप जो उससे बात कर लेना एक बार अगली कार्रवाई करने से पहले। मैंने बोला ठीक है। इतने को वो आ जाता है घर में, मैंने उससे बातचीत किया तो एकदम मेरे को यहाँ सारी मंडियाली भाषा बोला कंड काटी देने में जो बोले मैं तू साथ पैसे उधार ले रहे कर्जा ले रहा मैं तू साथ जब तू सो प्रॉब्लम थी तू से आया ना मेरे वाले धर्म वाले ताए बोले था मैं करना से महायज्ञ से तो हाले तक नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया। फिर मैंने बोला, इंद्र सिंह ने बोला, बोले मैंने बोला यार चेक वेक दे दो। उसके लिए उसने मना किया, बोला अमाउंट जब मेरे पास होगा मैं खुद दे दूंगा, बाकी मेरे घर में मांगने के लिए नहीं आना दोबारा दूसरी बार। पैसे दिए वो दिए 2/9/2021 में, 18/2/2022 में गया मैं उसके घर इस पैसे को लेने के लिए। उसके बाद जो है उसने टोटल 110,000 था, इसमें से उसने 40,000 रुपया वापस कर दिया। फिर आज की डेट में उसके पास मेरा 70,000 रुपया है। पुलिस के पास गया मैं, पुलिस ने बोला आपके पास क्या प्रूफ है, आपने उसको पैसे दिए, किसके सामने दिए, मैं क्या परिवार के सामने दिए, मेरा बेटा था मेरी मिसिज थी, बोले हार्ड कैश दिया, मैं क्या हार्ड कैश दिया, वो अमाउंट लेने मेरे घर आया। वो शासन ने बोला कि ये जो है घर का सदस्य है इसमें गवाह नहीं चलेगा। फिर मैं अकेला पाया गया। फिर मांगे हमारी मांग ये रहेगी जो फ्रॉड किया उसने मेरे साथ किया, इतने बंदे और हैं इनके साथ सबके साथ फ्रॉड किया है, इसके बारे में हम साहब से बात करेंगे, वो हमारे पैसे वापस करे, बात खत्म, हमें क्या कोई ये नहीं, हमने कोई ये नहीं है उसे। एक मैटर हमारे सामने भी आया है जो लार्जली अभी हम एरिया सारे आइडेंटिफाई करें क्योंकि इसके विक्टिम्स शायद काफ़ी लोग हैं, तो जो अभी मिले हैं वो मोस्टली गौहर जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आने वाले एरियाज अफेक्टेड लग रहे हैं ज़्यादा इस फ्रॉड से। तो उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति उनको ये कह के अप्रोच कर रहे थे कि वो उनके घर में कुछ पूजा पाठ कराएंगे और उस वजह से उन्होंने उनसे एडवांस में काफ़ी पैसे ले लिए टू द एक्सटेंट ऑफ 1 lakh एंड मोर फ्रॉम ईच पर्सन, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करवाया और ना ही पैसे ना दिए ना बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग अप्रोच किए कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पूजा पाठ कराने के नाम पर फ्रॉड हुआ है, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं उसके बारे में। और आपके माध्यम से मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि इस तरह ये भी एक नया फ्रॉड का तरीका जो है वो सामने आया है कि लोगों की एक जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उसको भी यूज़ करके कुछ फ्रॉडस्टर्स जो हैं लोगों से पैसा ले रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि आप ध्यान रखें, ऐसे फ्रॉड और ऐसे लोगों के झांसे में ना आएं और अपना जो कीमती पैसा है वो ऐसे ही बिना कोई वेरिफिकेशन के बिना चेक किए कि आप किसको दे रहे हैं ऐसे किसी को ना दें।